हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट ऑफ लाइफ एनके। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे आज के इस वीडियो में। तो गाइस, मेरी आज की ये वीडियो होने वाली है हाईवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैं फिलहाल अभी साइड पे हूँ। यहाँ पे ये 6 लेन PQC का रोड बन रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों रॉक फिलिंग हो रही है। तो दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ बर्म के ऊपर, जिसमें कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम रॉक फिलिंग करते हैं तो साइड में बर्म डालते हैं। क्यों डालते हैं या बर्म कैसे डालते हैं, इसको इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज मेरी वीडियो होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर रॉक फिलिंग जब करते हैं तो रॉक फिलिंग के पास रॉक्स को सपोर्ट देने के लिए हम मिट्टी की लिए लेयर डालते हैं। ये लेयर हम एक थिकनेस के हिसाब से डालते हैं। इसकी जो मिट्टी की लेयर की थिकनेस होती है, बर्म की एक लेयर की थिकनेस जो होती है वो 0.25 मीटर होती है। और मिट्टी की दो लेयर डालते हैं, उसके बाद फिर हम रॉक फिलिंग करते हैं। तो रॉक फिलिंग की जो एक लेयर होती है वो 0.5 मीटर की होती है। फिर एक लेयर रॉक फिलिंग की डाल के, उसके बाद दो लेयर मिट्टी की डाल के, उसके बाद इसे हम कॉम्पैक्ट करते हैं दोनों को मैच करके। तो दोस्तों, यही प्रोसीजर हम नीचे से लेकर जब तक हमारा एम्बैकमेंट तक लेवल तक नहीं आ जाता, तब तक हम रॉक फिलिंग और बर्म के थ्रू एम्बैकमेंट लेवल तक फिलिंग करते जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एम्बैकमेंट लेवल आने वाला है, जो कि आप देखिए पहले का मेरा बेड है जो ऑलरेडी रेडी है, तो उसके लेवल पर ही आने वाला है। बट कुछ फिलिंग्स थी तो और फिलिंग की जा रही थी यहाँ पे कैम्बर्स के लिए। 4% कैम्बर है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 4% कैम्बर है और रोड आपका ऐसे है। तो फ्रेंड्स, बर्म की जो एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है, इसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड विड्थ में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसकी भी कुछ मिनिमम विड्थ होगी, तो इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो 2.5 मीटर है, और जो मैक्सिमम विड्थ होती है इसकी वो हम कितना भी ले सकते हैं, 4 से 5 मीटर तक भी ले सकते हैं। और दोस्तों, बर्म से एक और फ़ायदा होता है हमें कि जब हम बर्म प्रोसीजर से डालते हैं तो बर्म से ऑटोमेटिकली अपना स्लोप मेंटेन भी होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये स्लोप मेंटेन होते आया है, आप देख पा रहे होंगे नीचे से लेकर वो हमारा OGL है, वहां से लेकर यहाँ से देखिए स्लोप मेंटेन होते आ गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम लोग ऑफसेट छोड़ना पड़ता है, ऑफसेट छोड़ छोड़ के हम लोग बर्म डालते रहते हैं, तो हमारा 1:2 का रेशियो का स्लोप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो गाइस, बर्म का यही स्पेसिफिकेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच गाइस।